चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री के रूप में होती है माता रानी की पूजा। हिंदू धर्म के लोग 9 दिनों तक करते हैं माँ जगत जननी की उपासना। शहर के प्राचीन महेश्वरी देवी मंदिर एवं काली देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भक्तों की भीड़ को देखते हुए किए गए सुरक्षा के तमाम इंतजाम। सिविल ड्रेस में मंदिरों के अंदर लगाई गई महिला सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी। मायने में सुप्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता जी, आज नवरात्र है, किस तरीके से तैयारियां होती हैं, नवरात्र किस तरीके से मनाया जाता है? हिंदू धर्म का बहुत मेन फेस्टिवल है इस, और ये महिषी मंदिर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इस पे बहुत सारे भक्ति लोग आते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारा उत्साह मनाया जाता है, लोग व्रत भी रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं उसको। बस यही सब बताना चाहेंगे। नवरात्र में हिंदू के हिसाब से देखा जाए तो कितना महापर्व होता है? सबसे मेन फेस्टिवल है। सविता, सविता जी, आज मंदिर आई हैं, आज नवरात्र है, किस तरीके से तैयारी है? बस जैसे हर बार होती है, अच्छी बात है, सब आते हैं, दर्शन मिलते हैं माता रानी के। मनाया जाता है, कितने वर्षों से मनाया जाता है? अभी के जमाने से, पूर्वजों के जमाने से मनाया जा रहा है। हाँ, सब आते हैं अपना दर्शन करने माता जी के, हर जगह व्रत रहते हैं 9 दिन, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जब आरब होते हैं। तो पहला दिन है, किस तरीके की श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और किस तरीके से तैयारियां की गई थी? नवरात्र आ रही है, जो श्रद्धालु है वो तो जैसे हमेशा आते हैं वैसे ही आते हैं, उत्साह से आ रहे हैं, खुशहाली से आ रहे हैं, अपनी भावना लेकर आ रहे हैं, अपनी इच्छा लेकर आ रहे हैं। यहाँ तो सुबह 4 बजे से माता रानी का अभिषेक चल रहा है। अच्छा, आज का दिन हिंदू धर्म के लिए कितना पवित्र माना जाता है और किस तरीके की इसकी तैयारियाँ पहले से शुरू हो जाती हैं? ये बहुत परंपरागत, हजारों साल से ये त्यौहार माना जा रहा है और भक्तों में बड़ा उत्साह और भक्ति। लोग बाग तो अपने घरों से पैदल भी आते हैं और बिना चप्पल जूते से श्रद्धा से माँ के दरबार आते हैं। और इस चैत्र के पर्व पर भगवान राम का रामनवमी भी मानी जाती है, नवमी के दिन, जिसको विजयदशमी भी बोलते हैं। और इस वर्ष तो एक बहुत बड़े रूप लेकर बहुत उत्साह से और एक ऐतिहासिक रामनवमी मनाई जाएगी। ये हमारे शहर में ही नहीं, पूरे जनपद में, क्या पूरे यूपी में अच्छे से उत्साहपूर्वक भगवान राम का रामनवमी मनाई जाएगी।